संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। 3 मई तक हम सभी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। हमें लॉकडाउन में आए हुए 1 महीना हो चुका है। सोचा पिछले कुछ दिनों पर एक नजर हो जाए। शुरुआत कुछ इस तरह करता हूं कि देश को रुके महीना हो चुका है एक, कि देश को रुके महीना हो चुका है एक, पर घर पर बैठे बैठे बातें देखी और सीखी हमने अनेक। उन्हीं बातों को आप सभी के समक्ष आज रखना चाहूँगा। वैसे तो सरकार ने हमें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, पर हमने ऐसे कई सारे लोगों को देखा जो बिना कारण घर से बाहर निकल रहे थे। तो मेरी अगली कुछ लाइनें उन लोगों के लिए जो बिना कारण घर से बाहर निकल रहे थे। हमने घर के बाहर बेवकूफ़ों को घूमते देखा, घर के बाहर गधों को मौज करते देखा। हमने घर के बाहर बेवकूफ़ों को घूमते देखा, घर के बाहर गधों को मौज करते देखा। जहां मौत आपका इंतज़ार कर रही थी, वहां कुछ नासमझों को खिलखिलाकर झूमते देखा। इन नासमझों से भी ज़्यादा खतरनाक ऐसे लोग थे जिन्होंने सरकार के आदेशों के विपरीत जानबूझकर काम किया। उन लोगों के लिए कुछ लाइन्स हैं। थे कुछ ऐसे भी जिन्होंने बात ना मानने की कसम खाई, थे कुछ ऐसे भी जिन्होंने आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई, थे कुछ ऐसे भी जिन्होंने बात ना मानने की कसम थी खाई, थे कुछ ऐसे भी जिन्होंने आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई, थे कुछ ऐसे भी जिन्होंने सिर्फ अपने मन की ही चलाई, थे कुछ ऐसे भी जिनका स्वार्थ हावी था, पर ऐसा करते करते उन्होंने सिर्फ हमारी और हमारे देश की लुटिया डुबाई। इस विकट परिस्थिति में हमने लोगों की मजबूरियां भी देखी कि बाहर निकलने वाला हर कोई जिद्दी और मतलबी नहीं होता, कि बाहर निकलने वाला हर कोई मतलबी और जिद्दी नहीं होता। 1500 किलोमीटर चलकर घर जाने का शौक किसी को नहीं होता, पर शायद रहने को छत नहीं होगी, पैसों की कमी होगी, खाने को रोटी नहीं होगी, पर शायद रहने को छत नहीं होगी, पैसों की कमी रही होगी, खाने को रोटी नहीं मिली होगी। ऐसे में अगर गांव की याद आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होता। साथ ही साथ हमने ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने निस्वार्थ भावना से सहयोग भी किया। जैसे कि मैंने कहा, हर कोई मतलबी नहीं था, हर कोई स्वार्थी नहीं था। देश में सैकड़ों जगह भंडारे और लंगर लगे ताकि सभी के पेट तक भोजन पहुँच सके। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने घर घर जाकर राशन बंटवाया, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने खुद के घरवालों से पहले भूखों को खिलाया, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने घर घर जाकर राशन बंटवाया, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने खुद के घरवालों से पहले भूखों को खिलाया, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मानव होने का धर्म निभाया। माना कि आप शायद हमें नहीं दिखे होंगे, माना कि आप शायद हमें नहीं दिखे होंगे, पर सच कहूँ तो आपने भी भारत को भूखा सोने से बचाया। इन सब के बीच हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जिन्हें मैं नमन करते हुए उनके बारे में कुछ बातें आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। वो चाहते तो घर पर बैठ सकते थे, वो चाहते तो अपने परिवार और बच्चों और रिश्तेदारों के संग रह सकते थे, पर उन डॉक्टर्स ने, उन नर्सों ने, उन मेडिकल स्टाफ्स ने, उन पुलिस वालों ने, उन सफाई कर्मचारियों ने अपना कर्तव्य सर्वोपरि रखा और लग गए आपकी सेवा में अपनी जान हथेली पर रखकर। ऐसे में हमने देखा कि इन लोगों पर कई लोगों ने हमले किए और इनके साथ दुर्व्यवहार की, कि कुछ ने इन पर थूका था, कुछ ने लठ मारे थे, कुछ ने गालियां बकी थी, तो कुछ ने पत्थर मारे थे। ऐसे दुर्व्यवहार पर इन्होंने क्या जवाब दिया होगा, इसका उत्तर मुझे शायद अमिताभ बच्चन जी की 2 लाइनों से मिलता है कि आपने मुझ पर पत्थर मार दिया, आपने मुझे गालियां बक दी, आपने हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, आपने हम पर पत्थर मार दिए। मेरा जवाब यही होगा कि मैं समुद्र से भी गहरा हूं, तुम कितने पत्थर फेंकोगे, कि मैं समुद्र से भी गहरा हूं, तुम कितने पत्थर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ोगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जाते जाते आप सभी के समक्ष बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा, माना कि विपत्ति बड़ी है, माना कि संकट की घड़ी है, माना कि विपत्ति बड़ी है, माना कि संकट की घड़ी है, पर सोचो परिवार के साथ ऐसा समय कब बिताया था, कि सोचो परिवार के साथ ऐसा समय कब बिताया था, सोचो खुद से ही खुद को
हमने कब बतलाया था। निराशा के इस दौर में देश की किरण बनो, निराशा के इस दौर में देश की किरण बनो, देश की सेवा में देश के ऐसे सपूत बनो। आज देश की सीमाओं पर जाकर लड़ना नहीं है हमें, आज देश की सीमाओं पर जाकर लड़ना नहीं है हमें, बस घर पर ही रहकर देश की सेवा करो। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।